दोस्तों एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी में भारतीय टीम गजब का पेट दर्शन कर रही है। अपने दूसरे मुकाबले में जापान को 5-1 से हरा कर सभी को चौंका दिया और पॉइंट टेबल के नंबर 1 पर बनी। वहीं दोस्तों अब भारतीय टीम का तीसरा महामुकाबला मलेशिया से हॉकी टीम से होने वाला। तो दोस्तों ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा बताएंगे सारी जानकारी इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम मलेशिया को हराए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के दूसरे मुकाबले में जापान को हरा दिया। सोमवार को खेले गए मुकाबले में टीम ने जापान को 5-1 से हरा दिया। अपने पहले मुकाबले में रविवार को भारत ने मेजबान चीन को 3-0 से हराया था। तो दोस्तों भारतीय टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले और दोनों जीते और पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर बनी और उसके पॉइंट टेबल में 6 अंक हो गए हैं। आपको बता दें भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियन ट्रॉफी की डिफेंडिंग चैंपियन है और भारत ने 4 बार इस खिताब को जीता, जबकि दोस्तों पाकिस्तान ने 3 बार जीता। वहीं साउथ कोरिया ने 1 बार इस खिताब को जीता है। वहीं दोस्तों इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत के साथ टूर्नामेंट में चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया और पाकिस्तान की टीमें भाग ले रही हैं। तो दोस्तों अब आपको बता दें भारत और मलेशिया के बीच ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। दोस्तों भारत और मलेशिया के बीच ये बड़ा मुकाबला 11 सितम्बर को 1:15 पर खेला जाएगा। आप लोग इस मैच को सोनी लियो ऐप पर बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता, क्या भारतीय टीम मलेशिया को हरा कर चैंपियन ट्रॉफी में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर पाएगी? आप लोग इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और दोस्तों वीडियो इसी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।